आज गोड्डा के गोली विभवन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत खेल पदाधिकारी राहुल कुमार, नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कल्पना देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम नेटबॉल संघ की ओर से आयोजित किया गया था, तो नेटबॉल संघ के सचिव मोनालिसा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जिसके बच्चे नेटबॉल संघ के खिलाड़ी हैं। दरअसल उनका कहना है कि उनके साथ ऐसी गरीबी है कि उस गरीब बच्चे के पास जूते तक नहीं हो पाते हैं खरीदने के लिए, और जूते के खरीदने के लिए पैसे उनके पास नहीं हो पाते हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि उनकी माओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वो माएं अपने बच्चों के लिए जूता खरीद सके, और उन्हीं के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज खेल दिवस है, खेल दिवस के अवसर पे मैंने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही हूँ। मैं ये आयोजन इसलिए कर रही हूँ, मैं मतलब जो मेरे पास बच्चे खेलते हैं उनके पास जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, मैं उनसे प्रेरित होकर ये आज करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो खेलते हैं वो अपने इक्विपमेंट्स पूरा नहीं कर पाते, और जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप शूज लो, आप ड्रेस लो, तो कुछ दिन के बाद वो खेलना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि घर से एक प्रॉब्लम हो जाता है, पिता की कमाई से घर चलता है, बच्चों को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मैं माओं को आगे ला रही हूँ, माओं के लिए ट्रेनिंग 15 चीज़ों का मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ 2 महीनों तक। सिलाई कटाई, पापड़ बनाना, टेडी बियर बनाना, पेपर बैग बनाना, हर विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दे रही हूँ, और इनसे जो तैयार होगा माल मैं उन्हें मार्केट में सेलिंग करके 2 महीने के बाद से 3रा महीना से मैं उन महिलाओं को एक सैलरी दूंगी ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, खिलाएं, और जिस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में उन्हें आगे लेके जाएं। ये ट्रेनिंग देगा कौन? मैंने मेरे पास जो बच्चे खेलते हैं उन्हीं में से मैंने कुछ माओं को चुना है जो मतलब अच्छे घर से बिलोंग करती है, जो सीखी हुई है सारी चीज, वो सब आएंगी और इन्हें ट्रेनिंग देंगी। कार्यक्रम में गोड्डा के पूर्व संजय प्रसाद यादव के द्वारा खिलाड़ियों के बीच टी शर्ट भी बांटा गया। उनकी पत्नी कल्पना देवी द्वारा खिलाड़ियों को टी शर्ट प्रदान किया गया और उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। आज जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है वो आत्मनिर्भर के लिए रखा है। हम आप लोग से एक हम भी महिला हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनना चाहिए उसके लिए आपके अंदर में एक पॉजिटिव क्षमता होनी चाहिए। आप जब तक पॉजिटिव क्षमता अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। मेरा शुभकामना आप लोग के साथ है, और आप लोग अपने आप को मजबूत बनाइए, या नहीं निगेटिव मत सोचिए। हमें पॉजिटिव कैसे बनना है, हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है, हमारे घर कैसे चले, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए और कैसे मजबूत बनना चाहिए, ये मजबूती के लिए मनिलिका और गुंजन दोनों प्रयास किया है। हम आप लोग को से आग्रह करेंगे कि इस पहल को 60 दिन का जो कार्यक्रम है ये 60 दिन के अंदर जितने भी प्रशिक्षण दिया जाए उसको आप लोग एकदम रूटीन में उसको सीखने का प्रयास कीजिए। टेकरीवाल ट्रैक्टर्स आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर्स, कम ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। अपना पुराना ट्रैक्टर लाएं और नया ले जाएं। झारखंड में हमारे गुड्डा, पाकुड़, बरहड़वा, मेहरमा, गिरिडीह, राजधनवार के टेकरीवाल ट्रैक्टर शोरूम में सुविधा उपलब्ध है। साथ ही टेकरीवाल ट्रैक्टर्स नौकरी के सुनहरे अवसर दे रहा है। टेकरीवाल ट्रैक्टर्स को अच्छे सेल्समैन की आवश्यकता है, योग्य व्यक्ति अपने नजदीकी शोरूम में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।